हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट में कहां पर दिक्कत आ रही है, उसका हम रीजनेबल और एक तरह से आपके हिसाब से सोल्यूशन जरूर फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। हम अपना बेस्ट देने का कोशिश जरूर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो तक पहुँच आए तो आप मैथ्स टू का सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए आप हमारे वीडियो तक पहुँच पाए। सो उसी इंटरेस्ट को आप कंटिन्यू रखिए और वीडियो को हमारे एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं और मेनली हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा 1.2 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, उससे पहले हम कुछ एब्रीवेशंस कर लेते हैं, इट मीन्स कुछ सिम्बॉलिक फॉर्म्स देख लेते हैं। प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू क्या होता है? PW, अदरवाइज P। सम ड्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। उसका सिम्बॉल क्या होता है? SD और फेस वैल्यू। एक होता है ट्रू डिस्काउंट, डेट इज TD। बैंकर्स गेन BG। बैंकर्स डिस्काउंट BT। बैंकर्स डिस्काउंट BD। कैश वैल्यू CV। नोटेशंस भी हैं कुछ, जो नोटेशंस उसे हम स्मॉल लेटर में शो करेंगे। नंबर ऑफ ईयर, दैट इज पीरियड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के बेसिस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? R। फॉर्मूला है सम ड्यू इज इक्वल टू PW प्लस TD। TD इज इक्वल टू क्या होता है? PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है? सम ड्यू इंटू N इंटू R अपॉन 100। बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन TD, दैट इज TD इंटू N इंटू R अपॉन 100। कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज के बेस पे हम 1.2 यहाँ पर आज सॉल्व करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक और सॉल्यूशंस को जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम अब यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए सम ड्यू रुपीज 10,920 रुपीज ड्यू 6 मंथ हेंस एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें जो जो गिवेन है पहले हम वो लिख लेंगे सिंपली। आप लोग भी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और यहाँ पर से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। मैथ्स टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जो जो गिवेन है माय फ्रेंड्स, पहले हम वो लिख लेंगे। यहाँ पर सम ड्यू गिवेन है, सो सम ड्यू लिख लेंगे। कितना दिया हुआ है? ₹10,920। एन मीन्स क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ ईयर, इसे हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। 6 मंथ एंड 6 मंथ इज डजंट बट 6/12, दैट इज 1/2 years। ओके, देन वी हैव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज 8%। नाउ अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? प्रेजेंट वर्थ। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ का, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने यही फॉर्मूला क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की जगह का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन PW। PW मीन्स प्रेजेंट वर्थ। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? PW इंटू N इंटू R अपॉन 100। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। तो PW का वैल्यू तुम्हारे पास अभी फिलहाल नहीं है, बट हम इसमें ठीक है जो भी है चेक करते हैं कि और कर क्या सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सम ड्यू का वैल्यू लिख लेते हैं। सम ड्यू का वैल्यू है 10,920। यहाँ पर हम PW को उसी तरह लिख लेते हैं जैसे कि दिया हुआ है, प्लस PW इंटू N का वैल्यू गिवेन है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? N का वैल्यू लिख लेंगे। N का वैल्यू कितना है? 1/2। R का वैल्यू कितना है? 8/100। 2 1 2, 2 4 8। अब क्या करेंगे? PW को हम लोग इसी तरह लिखेंगे, प्लस इन ब्रैकेट 4 PW/100। अब यहाँ पर जो 10,920 है ये इसी तरह चलते रहेगा, कंटिन्यू होगा। नाउ माय डियर, स्टेप बाय स्टेप आपको भी अपना माइंड यूज करना है। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? PW बोथ साइड है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से PW कॉमन आ गया, सो इन ब्रैकेट यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर कितना बचा माय डियर फ्रेंड्स? 4/100। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 10,920 इसी तरह लिख लेना है,
पी डब्ल्यू बी सी तरह लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जा 100 प्लस 4 अपॉन 100 इट गिव अस 104 अपॉन 100। इसे हम सॉल्व करेंगे, किससे कट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे 4 से कट करते हैं तो 4 से यस डिविजिबल है, सो पी डब्ल्यू इंटू 4 से जब अगर हम इसे क्रॉस करेंगे तो 4 2 8 4 6 24 4 2 8 4 5 20 26 अपॉन 25 एंड यहाँ जो वैल्यू है 10,920। नाउ पी डब्ल्यू इसी तरह रखेंगे 10,920, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो जो अपॉन में मल्टीप्लाई में जो मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ इसे क्या करना है, 26 से डिवाइड करना एंड 25 से मल्टीप्लाई। 26 से डिवाइड करेंगे तो 26 फोर जा 104, यहाँ पे बचेगा रिमेनिंग 52, 26 टू जा 52 एंड ये 0। अब हम क्या करेंगे पी डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 420 का मल्टीप्लाई 25 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,500 रुपीज। सो दिस इज आवर प्रेजेंट वर्थ। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये सम्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अबे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड इज व्हाट इज सम ड्यू ऑफ रुपीज 8,000 ड्यू 4 months हेंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। सिंपली है, हमें यहाँ पर सम ड्यू फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है, पी डब्ल्यू दिया हुआ है, या मंथ दिया हुआ है, मंथ मींस टाइम पीरियड एन दिया हुआ है एंड आर दिया हुआ है। जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Present worth is equal to 8,000 rupees. N is equal to 4 months. And इसे हम ईयर में चेंज करेंगे तो 1/3 year. Then R 12.5%. Understood? So sum due का direct हमारे पास formula है, क्या होता है formula? PW plus TD. अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 8,000, तो 8,000 ऐसे लिख के चलेंगे, प्लस टी डी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, सो 8,000 प्लस पी डब्ल्यू 8,000 इंटू एन कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 1/3 इंटू आर कितना है 12.5 डिवाइड बाय 100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे अगर कितना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 3 4 12 3 1 3 2 बचेगा 3 6 18 4.16 इज इक्वल टू 8,000 प्लस 8,000 इंटू 4.16 अपॉन 100। These two zeros going to be cancelled. 8,000 plus 80 into 4.16. Multiply करेंगे 8,000 plus 0 the 0, 8 6 48 carry 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा my dear friends, 12। तो हमने यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12 का 2 कैरी 1, 8 4 जा 32 और कैरी का 1 33, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट बिफोर डेसिमल, 8,000 प्लस 332। नो माय डियर फ्रेंड्स लुक हियर, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना 8 है, तो हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 333 ऐड कर देंगे तो 8,333 इज इक्वल टू सम ड्यू। यहाँ पर हमें सम ड्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रेड डिस्काउंट सॉरी ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू 8 months हेंस एट 12% पर एनम इज रुपीज 560। फाइंड द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं, ये भी इजी है, डजंट टफेस्ट। ओके, सो लुक एट डियर, जो जो हमें दिया वो हम लिख लेते हैं, ट्रू डिस्काउंट इज गिवेन,
हम यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट लिख लेते हैं, टी डी ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 560 रुपीस। एन दिया हुआ है 8/12 ईयर्स, ओके 8 मंथ है, इसे हमने अपॉन में 12 कर दिया इसलिए ईयर्स में आ चुका है। देन हमें आर इज गिवेन 12%, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें प्रेजेंट वर्थ फाइंड आउट करना है और सम ड्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ट्रू डिस्काउंट का होता है। तो क्या होता है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट इज गिवेन, यहाँ पर हम उसका वैल्यू लिख लेंगे 560 इज इक्वल टू PW हमारे पास नहीं है इंटू एन 8/12 इंटू आर 12/100। 12 कैंसल, इट गिव अस 560 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 टाइम्स PW। 8 का यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएगा तो अपॉन में हो जाएगा। सो PW इज इक्वल टू 56,000 अपॉन 8, 7,000। सो प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू ₹7,000। वन वैल्यू इजीली फाउंडेबल था वो हमने फाउंड कर लिया है। नाउ अनदर वैल्यू दैट इज सम ड्यू इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ। ट्रू डिस्काउंट 560 प्लस PW 7,000 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 7,560 रुपीज सम ड्यू। इजी है, यस बहुत बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू डिस्काउंट ऑन ए सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू, ओके 12% पर एनम, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। तो यहाँ पर हमें देखो क्या दिया हुआ है, ट्रू डिस्काउंट इज गिवेन है। जो ट्रू डिस्काउंट है ना वो सम ड्यू का कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 3/8 है। तो यहाँ पर इनटू में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ड्यू, ओके। देन एन कितना दिया हुआ है अपने को फाइंड आउट करना है, आर कितना दिया हुआ है 12%। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। ट्रू डिस्काउंट का पहले फॉर्मूला लगाते तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, अच्छा जो गिवेन है पहले इसमें से कुछ निकाल लेते हैं हम लोग अगर, ओके फाइंड आउट करते हैं। लेट्स ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ सम ड्यू। नाउ सम ड्यू का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला सम ड्यू का, ट्रू डिस्काउंट प्लस PW, राइट, यस। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें और मल्टीप्लाई, यस, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3/8 ट्रू डिस्काउंट प्लस 3/8 PW इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट वालों को एक साइड ले लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स हमारा, देखो 3/8 इसी साइड रखते हैं PW इज इक्वल टू, ये जो 3/8 है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, कितना हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट माइनस 3/8 ट्रू डिस्काउंट, राइट। अब नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8TD माइनस 3TD यानी ट्रू डिस्काउंट अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/8 PW अपॉन 8 कैंसल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा PW इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5TD, ओके। तो ये PW से हमें इतना कुछ फाइंड आउट हुआ है। ऑल्सो हमारे पास एक और फार्मूला है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, क्या फार्मूला है, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, लुक हियर, देखो PW का वैल्यू कितना है 5/3 TD, इंटू एन का वैल्यू नहीं है, इंटू आर कितना है 12/100, 3 × 3 = 3, 4 × 12 = 4, 4 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, इट मीन्स 5TD इंटू एन अपॉन 25, राइट।
इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर हमारे पास डी। अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज थोड़ी सी और फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, ये टी को यहीं पर हम पहले लेके चलते हैं। टी ना टी यहाँ पर अपॉन में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो इट गिव अस 25 टी इज इक्वल टू 5 टी इंटू एन। 5 टी यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो अपॉन में। सो 25 टी अपॉन 5 टी इज इक्वल टू एन, कैंसल करेंगे तो आएगा कितना, ओनली 5 इज इक्वल टू एन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवेन हियर, 20 कॉपीज ऑफ ए बुक कैन बी परचेस्ड फॉर ए सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, ओके, एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इज रेडी कैश, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्वेश्चन समझने का पहले ट्राई करते हैं। अगर क्वेश्चन एक बार समझ ना रहा तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो हम इसे हाफ ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ब्रेक कर करके करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को। 20 कॉपीज ऑफ ए बुक कैन बी परचेस्ड फॉर ए सम पेएबल, ओके। जो 20 कॉपी ये परचेस करेगा, तो इसमें हम अगर 1 कॉपी का कॉस्ट एक्स रुपीज लेते हैं तो इजीली हम फिर सम ड्यू निकाल पाएंगे, यस। सो 20 कॉपीज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20x, दैट इज प्रेजेंट वर्थ मिलके आ जाएगा, जो 20x होगा, राइट, यस। नाउ देन, अब प्रेजेंट वर्थ मिलके आ गया तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू इज इक्वल टू पीडब्ल्यू प्लस टीडी। और जब पीडब्ल्यू प्लस टीडी लगाएंगे तो पीडब्ल्यू का भी वैल्यू हमारे पास 20x है और एन का भी वैल्यू है एंड आर का भी वैल्यू है, तो कुछ तो भी वैल्यू हमें आगे सम ड्यू का निकल के आने वाला है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, यहाँ से शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अंडरस्टूड, इसे यहाँ रख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी रुपीज एक्स, ओके, देयर फॉर प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू 20x, अंडरस्टूड। एंड एन इज गिवेन हियर 6 मंथ, 6 मंथ मीन्स 6 upon 12 years, दैट इज 1 upon 2 years, ओके। देन आर इज गिवेन, नो, तो आर हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, सम ड्यू। सो सम ड्यू के लिए क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, पी डब्ल्यू प्लस टी डी, ये फॉर्मूला हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ में भी। सो ये आ गया हमारा पी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ओके। पी डब्ल्यू कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 20x प्लस एन इंटू आर अपॉन 100, 20x प्लस एन का वैल्यू 1 upon 2, सॉरी यहाँ पर इंटू आता है, यहाँ पर भी इंटू आ जाएगा, इंटू आर अपॉन 100। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 1 2 2 10 20, सो दिस इज नथिंग बट 20x प्लस 10x इंटू आर अपॉन 100। अब और क्या कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अब ये कितना बचा, इज इक्वल टू 20x प्लस x इंटू आर अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 200x प्लस x इंटू आर अपॉन 10 इज इक्वल टू सम ड्यू, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पीडब्ल्यू के थ्रू सम ड्यू फाइंड आउट कर लिया। आगे एक और इक्वेशन दिया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 21 कॉपीज फॉर द सेम सम ड्यू, उतने ही सम ड्यू में 21 कॉपीज रेडी कैश मिल जाता है हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 21 कॉपी परचेस फॉर द
सेम सम ड्यू। तो ये जो सम ड्यू आया ना, इतने में ही कितना कॉपीज मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 21 कॉपीज। और 21 कॉपीज का प्राइस कितना होगा? 21x। यहां पर हम लिखेंगे सम ड्यू ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू सम ड्यू ऑफ 21 बुक्स। एंड हम यहाँ पर लिखेंगे देयर फॉर सम ऑफ 21 बुक्स इज इक्वल टू 21x। सो ये 20 बुक्स का जो सम ड्यू हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाला है, वही किसके इक्वल हो जाएगा? 21 बुक्स के इक्वल हो जाएगा प्राइस के, ठीक है। और इनका सम ड्यू कितना आएगा? 21x ही आएगा, ये रेडी कैश में आएगा, ओके। सो यहाँ पर हम देयरफॉर लिख सकते हैं 200x प्लस एक्स इंटू आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 21x। इसे अब सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 10 का वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 200x प्लस एक्स इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 200 प्लस आर इज इक्वल टू 210x। अब क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर हमें सिंपली x का यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 200 प्लस आर इज इक्वल टू 210x अपॉन x, x x कैंसल, r इज इक्वल टू 210, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 10%। अंडरस्टूड? यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये अंडरस्टैंडेबल है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, 20 कॉपीज ऑफ ए बुक कैन बी परचेस्ड फॉर ए सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ। अगर आप उन बुक्स को उधारी पे लेते हो तो वो जो आप 6 महीने बाद आप उनको पेमेंट दोगे, उसमें इंटरेस्ट वगैरह सब मिला हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर आप उतना ही बुक्स आज के टाइम पे ले रहे हो तो वो 21 बुक्स मिल जाएंगे उतने ही रुपए में। इट मीन्स हमने यहाँ पर ये जो सम ऑफ लिखा है इसे हम प्रेजेंट वर्थ भी बोल सकते हैं, 21 बुक्स का प्रेजेंट वर्थ, ओके। तो ये 21 बुक का जो सम ड्यू लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होना है, वो क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर 21 बुक्स का सेम सम बोला गया, ओके। सो इतना समझ में आया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन, तीन वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं ऑन ए बिल ऑफ रुपीज 4240 ड्यू 6 मंथ, हेंस 9% पर एनम, ओके। सो लेट्स बिगेन। जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सम ड्यू दिया हुआ है 4240, एन इज गिवेन 6 मंथ, एस 6 मंथ इज इक्वल टू 1/2 years, एंड द आर इज गिवेन 9% पर एनम, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे क्योंकि वो हमें डायरेक्ट सम ड्यू के फॉर्मूले से मिल जाता है। सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 4240 इंटू 1/2 इंटू 9 अपॉन 100, ओके। 1010 गोइंग टू बी कैंसल। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू वन टू इंटू 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 9 1 9, 9 2 18 कैरी का 19 अपॉन 10। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 190.8 रुपीज। अंडरस्टूड? इजी है। नाउ अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ट्रेड डिस्काउंट अगर हम निकालने जाते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट जो किस पे निकलता है माय डियर फ्रेंड्स? तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए ना एक फॉर्मूला बेसिक सा वो लेते हैं पहले,
लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट का वैल्यू पहले एक्स अज्यूम कर ही लेंगे, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? तो देखो, ये जो बैंकर्स डिस्काउंट होता है यानी बीडी होता है, ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो इसे हम लिख लेंगे बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। दैट्स व्हाई यहां पर सेम होता है, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट प्लस ट्रेड डिस्काउंट का इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या हो जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, 190.8 इज इक्वल टू ट्रेड डिस्काउंट क्या लिया माय डियर फ्रेंड्स हमने? x, सो x प्लस x इंटू एन कितना है? 1 अपॉन 2 आर कितना है? 9 अपॉन 100। ओके, अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए लेट्स यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इजी है, सो देखो लुक हियर, 190.8 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखो, ये जो 1/2 है हमारे पास यहाँ पर, तो ये 1/2 पूरे के अपॉन में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? x इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 100, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास फिर? 200x प्लस 9x अपॉन 200 इज इक्वल टू 190.8, राइट। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? 200 यहाँ अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 190.8 इंटू 200 इज इक्वल टू 209x। अब और क्या कर सकते हैं? सो 190.8 इंटू 200 अपॉन 209 इज इक्वल टू x। x यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ अपॉन में आ गया, ठीक है। अब नाउ इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 0 0 2 8 16, 2 9 18, कैरी 1 2 1 2 और 1 3, 1 डिजिट पे डेसिमल अपॉन 209 इज इक्वल टू एक्स। 209 से इसे हम डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 182.58। ओके, आप डिवाइड इजीली कर सकते, 182.58 इज इक्वल टू x, एंड द व्हाट इज x? x इज ट्रू डिस्काउंट, TD इक्वल टू x इज इक्वल टू 182.58 रुपीस। अंडरस्टूड? अब दो वैल्यू तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट इजीली हो चुके हैं, कौन कौन सा माय डियर फ्रेंड्स? बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज BD एंड ट्रू डिस्काउंट दैट इज TD। अब हमें क्या निकालना है? बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन यानी BG का इजी फॉर्मूला है हमारे पास, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर्स गेन होता है। सो 190.8 माइनस 182.5 करेंगे, कितना जाएगा माई डियर फ्रेंड्स? 8.22 रुपीज इज बैंकर्स गेन।